अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज के इस वीडियो में आपके सामने मौजूद है पोर्टेबल विंडो एयर कंडीशनर जो कि पौने टन का है। और इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि कंप्रेसर जो है वो ओवरहीट होकर ट्रिप कर जा रहा है और 110 का है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों का ये एक सवाल भी है कि 110 कंप्रेसर को कैसे प्रॉपर चेक किया जाता है और उसके कनेक्शन क्या होते हैं, तो ये भी साथ में क्लियर करूंगा और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी साथ क्लियर हो जाएगी। तो इसकी मैंने बॉडी वगैरह जो है वो ओपन कर रखी है। ये रही इसकी बॉडी, ठीक है, ये इसके जो है बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये ओपन एक फ्रंट साइड पर इसके जो है कवर था और एक बैक साइड पर स्क्रू जस्ट ओपन करके और बस लॉक को देखते हुए आप इसको सिंपल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए नीचे कंप्रेसर वाली साइड पर आ जाते हैं। ये है कंप्रेसर एरिया और इस साइड पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर है इसका कनेक्शन एरिया। अभी इसकी पीसीबी मैंने रिमूव कर रखी है, ये रही भाई इसकी पीसीबी, ठीक है। तो मैं ना इसके ऊपर एक जल्द एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें जो है प्रॉपर इसके ए टू जेड कनेक्शन 110 वोल्ट पर चलने वाले एयर कंडीशनर के जो ए टू जेड कनेक्शन है, वायरिंग कनेक्शन, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, हेल्प होगी। तो अभी यहाँ पर मैं इसके जो है आपको दिखा दूँ कि तीन ही वायर्स हैं इसमें भी, ठीक है। सबसे पहले तो इसके कनेक्शन समझ लेते हैं जिसमें वाइट, ब्लैक और रेड, ठीक है। इसमें भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सेम वैसे के वैसे ही कनेक्शन होते हैं और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो CRS कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंडिंग या ट्रेसिंग आप लिख सकते हैं तो आपको यूट्यूब पर मेरी वीडियो आसानी से मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। और उस पर आप मीटर के साथ कैसे तीनों वायरों में आप जो है फाइंड कर सकते हैं कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग, कौन सी कॉमन है। मैं इसकी फाइंड कर चुका हूं तो उसके मुताबिक यहां पर ब्लैक जो है मुझे कॉमन मिली है और ये जो है हमें स्टार्टिंग मिली है रेड और रनिंग जो है हमें वाइट मिली है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे है भाई, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमारे सिंपल एयर कंडीशनर के हैं, 1 टन 1.5 टन 220 वोल्ट पर चलने वाले। तो खैर मैं इसके कनेक्शन करके इसको भी ऑन करके ट्राई करता हूँ, मतलब हमने इसको चेक करना है कि भाई ट्रिप क्यों कर रहा है। इसमें हो सकता है इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है इसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो वो तो देख कर ही कन्फर्म होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अभी इसमें मैंने क्या किया है कि भाई इसमें जो इसकी वाइट वायर है वो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर के एक साइड पर लगा दी है, ठीक है। कैपेसिटर के एक साइड पर मैंने वाइट वायर लगा दी है। अब वाइट वायर जो है हमारी कौन सी थी भाई, वाइट वायर हमारी जी हाँ वाइट वायर हमारी स्टार्टिंग थी, सॉरी मैंने इसको रनिंग आगे स्टार्टिंग बोल दिया, ये हमारी स्टार्टिंग निकली थी, ये है हमारी रनिंग वायर। तो स्टार्टिंग वायर जो है वाइट, वाइट को स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक साइड पर, उसके साथ कोई भी और वायर नहीं लगेगी। कॉमन हमारी ब्लैक होगी और रेड जो है हमारी रनिंग होगी, रनिंग हमारी ये नीचे आ गई, ठीक है। रनिंग के साथ मैंने एक और वायर लगा रखी है जो कि मेन वायर है सप्लाई देने के लिए, मतलब न्यूट्रल मैंने यहाँ पर दे दी और कॉमन मैंने अब यहाँ पर देनी है, इसको मैंने यहाँ पर दे रखी है। ये मैंने इसका थिम्बल इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, ये वायर है मतलब सप्लाई के लिए इस तरफ आ रही है, ये सप्लाई है, ये हम डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते, ठीक है। 220 वोल्ट पर ये हम सप्लाई 110 सप्लाई पर चेक करेंगे, 220 वोल्ट से ये 110 वोल्टेज निकालेगी। इसकी बैक साइड पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसके कनेक्शन 220 वोल्ट से ये इसकी वायर जो है सप्लाई की वो अलग है। इसको मैं कनेक्ट करूँगा स्विच में तो यहाँ से जो है 110 वोल्ट होकर आएंगे और वो जो है हमारे इधर सिस्टम में जाएंगे कंप्रेसर को ऑन करने के लिए। तो कंप्रेसर जब ऑन होगा तो क्लैंप मीटर मैंने यहाँ पर लगा रखा है, क्लैंप मीटर को मैं सेट कर लेता हूँ एम्पेयर पर, कितने एम्पेयर, 40 एम्पेयर पर कर लेते हैं, इसकी कम से कम रेंज जो है वो 40 एम्पेयर है, ठीक है। ये एम्पेयर पर सेट कर लिया और यहाँ पर AC आ गया, ठीक है। पहले ये DC था तो DC नहीं हम AC चेक कर रहे हैं, हम AC 110 वोल्ट। अभी हम इसका सिर्फ स्विच लगाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इसमें कितने एम्पेयर चल रहे हैं और कंप्रेसर स्टार्ट होता है कि नहीं। कैपेसिटर जो है इसका वैसे मैंने इसका चेक कर लिया था, कैपेसिटर इस मीटर से ही, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, इस मीटर से ही कैपेसिटर को भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो टार्क देकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो खैर अभी मैं इसको सप्लाई ऑन करता हूँ और देखता हूँ। ओके, कंप्रेसर हमारा चल पड़ा है, आपको शायद
आवाज़ से पता चल गया होगा। जी हाँ, कंप्रेसर हमारा चल रहा है। ओके, बट यहाँ पर जो है अम्पेयर आप देखेंगे तो 9 अम्पेयर यहाँ पर आ रहे हैं। 9 अम्पेयर काफ़ी ज़्यादा अम्पेयर है, मतलब कूलिंग कर रहा था सिस्टम। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ देर चलने के बाद ट्रिप कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10-20 मिनट बाद जो है ये ट्रिप कर जाएगा। और इसकी वायर हीटअप होती थी, ये भी साथ कंप्लेन थी। अभी इसकी वायर वाकई में ही जो है हीटअप होगी, जाहिर सी बात है। वायर और अम्पेयर जो है 10 अम्पेयर, अराउंड 10 अम्पेयर चल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो होगी। तो यहाँ पर कैपेसिटर का इशू हो सकता है, मतलब इस सूरत में या तो कैपेसिटर का इशू होता है या इसकी कोई वायर लूज़ होती है, मेन वायर लूज़ हो सकती है। ठीक है, इस तरह कोई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वोल्टेज जो है वो लो हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने वोल्टेज भी इसके चेक कर रखे हैं। सप्लाई वैसे मेरी बिल्कुल ठीक है, सप्लाई का इशू होता तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता कि भाई पहले सप्लाई हमने चेक करनी थी। सप्लाई भी ठीक है 110 की, तो आगे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जो है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वायर वाकई में ही हीटअप हो रही है। जी हाँ, इसका स्विच भी हीटअप हुआ। जी हाँ, तो मतलब कि इसके अम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं। इसके मैंने आपको कनेक्शन बताया कि वो तो सेम वैसे ही है जैसे हम अपने नॉर्मल 220 वोल्ट वाले एसी को करते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आप इस 110 वाले कंप्रेसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिपिंग का प्रॉब्लम था। ट्रिपिंग में या तो गैस ओवर हो सकती है, या तो इसमें जो है कोई वायर कनेक्शन लूज़ हो सकता है, या फिर इसमें आपका कैपेसिटर जो है वो वीक हो सकता है, या फिर एक और इशू भी होता है कि इसमें अगर आपने रनिंग वाली वायर स्टार्टिंग और स्टार्टिंग रनिंग पर मतलब एक्सचेंज कर दी हो, किसी ने एक्सचेंज की हो, तो फिर वो नहीं चलता, मतलब हाई एम्पेयर पर जाकर फौरी ट्रिप कर जाएगा। लेकिन इसमें ये इशू था कि ये कुछ देर चलने के बाद ट्रिप कर रहा है। कंप्रेसर भी अभी काफ़ी हीटअप हो चुका है इसका। तो आई होप कि आपको इसमें ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि इसके जो कनेक्शन है, मेन बात हमने ये करनी थी कि भाई इसके जो कनेक्शन है वो सेम स्प्लिट एसी जैसे ही हैं, कि इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसकी भी सेम वैसे ही है। ट्रेस कर कर आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग और कैपेसिटर के जो है इसमें अटैच करके इसके कनेक्शन आप करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, इसमें जो है मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा कि इसके कनेक्शन जो है आपने कैसे करने हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके ओवरऑल जो है कनेक्शन कैसे हैं। बहुत ही आसान है, पीसीबी के साथ इसके कनेक्शन हैं। एक तो विंडो एसी के नॉर्मल सेलेक्टर स्विच के साथ हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी विंडो एसी के जो है कनेक्शन बना रखे हैं। तो इस पर जो है आपको पीसीबी के साथ जो है कनेक्शन बने हुए मिलेंगे, जिसमें आपको जो है कोई भी पोर्टेबल एसी होगा तो उसका कनेक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। और कुछ पीसीबी से रिलेटेड भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन साथ ही मैं शेयर कर दूंगा, तो वो जल्द ही मैं किसी वीडियो में ये जो है मुकम्मल एक वीडियो बनाकर आपको वायरिंग सिखा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।